सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या भारत पाकिस्तान का फाइनल एशिया कप में होगा या नहीं होगा। अब अनफॉर्चुनेटली भारत तो पहुंच चुका है यहाँ पर फाइनल में, पाकिस्तान का पता ही नहीं चल रहा है कि वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो हमने सोचा कि चलो चाचा पाकिस्तान से पूछ लेते हैं कि भाई कोई मूड है भारत पाकिस्तान का फाइनल खेलने का। पहले तो भारत का शुक्रिया, अगर आज पाकिस्तान फाइनल पहुंचता भी है ना उसमें भी भारत का बहुत बड़ा हाथ है। 213 जैसे छोटे स्कोर के साथ उसने वो जो एक मैच जीता, उन्होंने साथ साथ पाकिस्तानियों के दिल भी जीत लिए। और आज का जो मैच है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हालांकि 5 तब्दीलियां भी टीम के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सीनियर टीम भी साथ है। पहले आप मुझे ये बताइए कि जीतने का प्लान है या नहीं, क्योंकि टीम जो है आपने पूरी होलसेल रेट में आपने टीम बदल दी, तो इसमें कैसे जीतोगे श्रीलंका के खिलाफ, कैसे फाइनल खेलोगे भारत के खिलाफ? देखिए अभी ये सेमीफाइनल है और इतनी बड़ी तब्दीलियों के बाद आपने देखा कि पाकिस्तानी टीम का दलेराना अंदाज, उन्होंने एक दिन पहले फिर टीम अनाउंस कर दी है ताकि अगली टीम फिर किसी धोखे में ना रहे। तो इंशाल्लाह ये हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन जो बड़ा स्टेप लेना है ना वो बाबर आजम से के बाद एंड है। चाचा जी ये बताइए कि दिलेर विलेर तो ठीक है, दिलेर तो रहे बहुत अच्छी बात है, प्लेइंग 11 भी एक दिन पहले अनाउंस कर दिया, लेकिन वो जो 11 वो 11 जीतेगा नहीं जीतेगा? जीतने के लिए हम तो फाइनल में इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ फाइनल आए ताकि फिर एक बार आ रहा है। देखिए जितने भी प्लेयर रहे अभी आए हैं वो पहली दफा तो नहीं खेल रहे जमान खान के अलावा, ठीक है बड़े प्लेयर हैं, और जमान खान इंशाल्लाह आज डेब्यू करेगा और श्रीलंका के खिलाफ आज पाकिस्तान जीतेगी और अच्छे मार्जिन से जीतेगी। मैं आपको बताऊँ आज पाकिस्तान जीतेगी अच्छे मार्जिन से, जीत के अपनी रन रेट को और बेहतर करेगी। नहीं रन रेट का तो अब चलो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि रन रेट या तो मैच होगा जीतेगी तो फाइनल खेलेगी, अगर नहीं जीतेगी तो रन रेट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर बारिश आ गई तो फिर श्रीलंका से मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान टीम में चल क्या रहा है, मतलब पहले तो आके कहा कि हम वर्ल्ड नंबर वन है, हम दुनिया जीत लेंगे, हम जहाँ जीत लेंगे हम बहुत अच्छा कर देंगे, भारत के जो है बल्लेबाजों से डर लग रहा है, उसके बाद 356 रन खाए और अब टीम में ऐसे बदल रहे हैं जैसे सब कुछ ही गलत है टीम में। नहीं उसमें बैड लक भी है ना, तीन पाकिस्तान के प्लेयर अनफिट हो गए, जब तीन प्लेयर अनफिट होंगे तो फिर उस कंडीशन में तब्दीली तो जरूरी है। और राणा फहीम अशरफ एक ही मैच में खिलाया गया था उसको, सिर्फ इस बिना के ऊपर कि सारा पाकिस्तान कह रहा था कि पेसर एक और होना चाहिए इंडिया के खिलाफ, पेसर को मार पड़ी, सारे पेसरों को मार पड़ी, अब विकेट जो है वो स्पिनर के हिसाब से चल रही है, उस हिसाब से राणा फहीम को बिठाना पड़ा। फखर जमान जो है एक मुद्दे से आउट ऑफ फॉर्म था और उसकी तब्दीली मुझे नजर नहीं आ रही थी कि उसको तब्दील करना नहीं चाहिए था, लेकिन आज उसको भी तब्दील कर दिया गया। ये फखर जमान का थोड़ा सा मुझे मेरी समझ से बाहर था, बाकी तो जरूरत थी ना, एक बंदा ही अनफिट है, एक बंदा खेलने के काबिल ही नहीं है, उसको कैसे खिला सकते हैं? ये बैड लक है और कुछ भी नहीं है, और बैड लक का बादशाह इस टाइम पाकिस्तान बना हुआ है। कल दो दिन पहले हीरो था, खुद कहा इन्होंने कि बैड लक का बादशाह पाकिस्तान बना हुआ है आजकल। बिल्कुल दो दिन पहले हम हीरो थे, हमारी बॉलिंग नंबर वन थी, हमारी बैटिंग नंबर वन थी इंडिया के हारने के बाद, अब वो जो भरम है, अब मसला हर टीम पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठा रही था, इंशाल्लाह तमाम असाब चुकता करने के लिए मैदान में उतरेंगे और अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह जीत से हम किनार होंगे। नहीं और मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान टीम को अपने बैटिंग पे फख्र है, क्योंकि आप फख्र जमान तो है नहीं फख्र जमान के अलावा भी पाकिस्तान की टीम एक, है एक बैट्समैन बाबर आजम, नहीं जी बहुत बड़ा बैट्समैन है बाबर आजम, रिजवान बड़ा रन कहां हो रहे हैं, रन होना या ना होना, विराट कोहली से भी पिछले मैच में रन नहीं हुए थे, श्रीलंका के खिलाफ भी रन नहीं हुए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बड़ा बैट्समैन नहीं है, बहुत बड़ा बैट्समैन, लेकिन शतक खेला रन एक मैच में अच्छा खेला है, दूसरे मैच में अंडर 10 आउट हो गया, तो ये आउट होने से कोई बैट्समैन छोटा नहीं हो जाता। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो इमाम उल हक की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है वनडे के अंदर, और उसके बाद रिजवान बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, बाबर आजम बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, चाचा इफ्तिखार तक चल जाते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं चलते और कभी जब चलते हैं तो मजालों की तरह चलते हैं। तो मतलब पक्का माने ना कि भारत पाकिस्तान का फाइनल इंतजार कर रहे हैं हम आपका फाइनल में? हम भी यही चाहते हैं कि जो वर्ल्ड एशिया कप का फाइनल है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हो, लाखों लोग जो हैं वो आना चाहते हैं इस मैच में शिरकत करना चाहते हैं, और पूरा देश जो है दोनों देश की आवाम जनता किसी दिन का इंतजार करती है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, तो वो दिन अल्लाह पाक लाजमी लेके आएगा, वरना एशिया कप का मजा खत्म हो जाएगा। श्रीलंका वैसे पाकिस्तान हो या श्रीलंका वैसे इंडिया हो तो वो मैच का वो मजा नहीं रहेगा। पाकिस्तान अभी नहीं हो सकता फाइनल, फाइनल इंडिया किसके साथ खेलेगा ये डिसाइड होना, पाकिस्तान के साथ लिख लो पक्का पक्का लिख लो, क्योंकि हमको भी इंतजार है कि पाकिस्तान आए चांद पे पानी ना फेंका और बारिश ना करवाई, तो इसमें भी हमारी है, आप चांद भी पहुंचाया आपको फाइनल का पहुंचाने का रास्ते का टिकट तो दे दिया आपने टीम इंडिया ने, टिकट बारिश तो देखे टिकट दे के बाउंड्री पे फिर कैच पकड़ लो, पानी ऊपर से बारिश बचा के चांद से 10 बाल्टियां पानी आपने फेंकने और आपका काम सीधा है। हर चीज में आपको लग रहा है कि इंडियन टीम है,
हर चीज में मतलब आपको भारत में दिक्कत है, हर चीज में होनी भी चाहिए, भारत हर चीज में दिक्कत पैदा करता है, इसलिए पाकिस्तान बोलता है कि हर चीज में दिक्कत जो है ना वो भारत की दिक्कत। चाचा टीम में है, टीम को बोलो कि ढंग से खेले, इतने तब्दीलियां ना करें। इंडियन टीम की खासियत पता है क्या आपको? इंडियन टीम की खासियत यह है कि हमने बहुत बड़ा गेंदबाज मोहम्मद शमी को प्लेइंग 11 से बाहर रखा है, क्योंकि दिमाग में क्लैरिटी है कि ये हमारी प्लेइंग 11 होगी, ये लोग खेलेंगे। दो दिन लगातार मैच हुए फिर भी प्लेइंग 11 में तब्दीली नहीं करी, सिर्फ कंडीशन की वजह से एक स्पिनर को एक्स्ट्रा रखा। पिछले जब पिच पे ऐसा लग रहा था कि स्पिनर को मदद देगी, वहां पर पाकिस्तान टीम एक मोड़ी में से खिला देती है, एक मैच जीतती है, अगर अगला मैच हार गई इतनी बुरी तरीके से तो पूरी टीम के पर्दे बदल देते हैं। देखें आपको पता है कि हार्दिक पांड्या अनफिट है, नसीम शाह अनफिट है, और आगा को बॉल लगी भी, कल मैंने कुछ स्टिच देखे उसके, तो तीन बंदे तो अनफिट थे। राणा फहीम अशरफ उसकी जगह इसलिए नहीं बनती कि यहाँ पे ये विकेट जो स्पिनर को मददगार है, स्पिनर को सपोर्ट कर रही है, अब हम पेस्टर को क्यों खिलाएं? राणा फहीम अशरफ इसलिए बाहर चले गए। और जो है फखर जमान पिछले 5-6 मैचों में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, एक इंडिया खिलाफ 25-30 स्कोर बनाने से उसकी परफॉर्मेंस, एक बंदा आउट ऑफ फॉर्म है, उसकी जगह पे किसी नए बंदे को छोटी टीम के मुखालिफ किसी नए बंदे को मौका देना चाहिए, और वो मौका दिया गया। और इंशाल्लाह पूरी बैलेंस टीम है, इंडिया वाले खुश फहमी में ना रहे, आज जब टीम ये खेलेगी तो बड़ा अच्छा खेलेगी। और यही टीम जिसको आप बच्चे 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 कह रहे हो, आम टीम कह रहे हो, ये इंडिया के साथ टकराएगी और इंडिया को रेजा रेजा करेगी। नहीं टकराए तो सही, पहले तो उसके बाद क्या होगा वो तो हम सबने देख ही लिया है कि क्या हुआ इंडिया पाकिस्तान के पिछले मुकाबले में, जब मैच में बारिश नहीं हुई और बारिश के पूरा जब रिजल्ट निकला तो क्या रिजल्ट निकला हम सभी ने देखा। लेकिन फिलहाल इंतजार यही है कि आज जो है श्रीलंका पाकिस्तान का मुकाबला हो, और फिर जो हमारे लंबे लंबे प्लान है 17 तारीख के उसको भी हम मुकम्मल करेंगे, भारत पाकिस्तान का फाइनल हो। आप भी यहाँ दुआ है, हम भी यहाँ है, इंशाल्लाह दमादम मस्त कलंदर होगा, एक गुम खान होगी सारा को, बिल्कुल होगा दमादम मस्त कलंदर।